न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम के 24वें वित्त आयोग कमेटी की बैठक, महानगर के विकास की तैयार की गई कार्य योजना। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रदर्शनी का पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने किया उद्घाटन। लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा प्रदर्शनी के माध्यम से लघु उद्यमियों को मिलता है उनके उत्पाद का बाजार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस, 115 में से 15 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। डीएम ने कहा सभी एसडीएम और अधिकारी संवेदनशील होकर करें समस्याओं का निस्तारण। तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित डोमिनगढ़ नदी में नहाने गए 2 बच्चों के डूबने की सूचना पर मचा हड़कंप, एनडीआरएफ तथा स्थानीय लोग कर रहे हैं डूबे बच्चों की तलाश, नहीं मिली सफलता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत विशेष जागरूकता प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को बुनियादी शिक्षा के रूपांतरण में सरकार एवं विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन, बेसिक शिक्षा मंत्री हुए शामिल। जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने एक कंपनी द्वारा गोद लिए गए पूर्व माध्यमिक विद्यालय का किया लोकार्पण, कहा मंदिर से भी बढ़कर है शिक्षा के मंदिर को संवारने का पुण्य कार्य। शाहपुर थाना क्षेत्र से गायब बच्चों की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, गोरधोइया नाले में बंधा बनाकर प्राइवेट गोताखोरों से पुलिस ले रही है मदद। विश्व हैंड वॉश डे और विश्व छात्र दिवस पर हैंड वॉश के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता सैनिक अभियान का किया गया शुभारंभ, लगभग 10,000 स्कूली बच्चों को दिलवाया गया स्वच्छता सैनिक बनने का संकल्प। राजघाट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध पटाखा कारोबारी को किया गया गिरफ्तार, सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने किया खुलासा दी जानकारी। गोरखनाथ पुलिस और स्वाट टीम ने किया शातिर अपराधी सचेन सिंह उर्फ पिंटू को गिरफ्तार, 32 बोर का अवैध पिस्टल और कारतूस किया बरामद। आईजी एडीजी जय नारायण सिंह ने किया गीडा थाने का उद्घाटन, कहा गीडा थाना खुलने से फरियादियों को मिलेगा न्याय, लगेगा अपराध पर अंकुश। विश्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सीआरसी के सभागार में मानसिक स्वास्थ्य भलाई एवं आत्महत्या के रोग विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, मानसिक रोग तथा तनाव से बचाव पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार, कहा मानसिक तनाव से दूर रहकर जीवन को बनाए सार्थक। सदर तहसीलदार की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, फरियादियों की सुनी गई फरियाद, किया गया मामलों का निस्तारण। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में निर्दोषों की हत्या को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग।